नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल वैदिक दृष्टि पर। यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के जो हमारे वीडियो का विषय है जल के बारे में है। वैसे तो आप सभी लोगों को जल के बारे में अवश्य पता होगा, ये कहावत अवश्य सुना होगा, जल है तो कल है। कहने का मतलब है कि जल ही हमारे जीवन का आधार है। संसार जब जल से भरा था, जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, जब संपूर्ण रूप से मानव जाति का निर्माण नहीं हुआ था, तो संपूर्ण संसार केवल जल जल से भरा हुआ था। और हमारे शरीर पंच धातु से निर्मित है जिसमें जल का तत्व अधिक है। अर्थात यदि देखा जाए तो जल के जो तत्व की संख्या है हमारे शरीर में अत्यधिक है। बिना अन्न के आप बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं, किंतु बिना जल के कुछ ही घंटों में आप देखना आपको बेचैनी होने लगता है। तो जल जो है जीवन का चिन्ह है, इसलिए इसे अमृत भी कहा जाता है। अमृत होने के साथ साथ ही कई तरह की हमारी समस्याओं को भी दूर करने का काम करते हैं। आज के जो का विषय है जल के बारे में, मैं आप लोगों को इसका कुछ चमत्कारिक उपाय बताऊंगा जो उपाय आपके जीवन को अमृत जैसा बना देंगे। आपके जीवन में चलिए विष है उसे समाप्त करेंगे। विष का मतलब है कि आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है उस परेशानी को दूर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के पश्चात में 101% दावे के साथ कहना चाहूंगा, यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके गरीबी को मिटने से, आपके जीवन को बाहर आने से, आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ साथ आपके जीवन जो में है उसे दूर करने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मित्रों, बताना चाहूंगा, जब आप जल पीते हैं, वॉटर पीते हैं, तो ये तन मन और ये शब्दों को पवित्र करता है। और आप स्नान करते हैं तो जल और जो जल है तन और मन ये दोनों को धोने का काम करते हैं। जल के देवता भगवान वरुण को कहे जाते हैं और ये यक्ष जाति से संबंध रखते हैं। और यक्ष जो ये जितने भी सेविका हैं, आपने देखा होगा जो यक्षिणी धन देने वाले बहुत सारी यक्षिणी होती हैं, और जैसे कि कुबेर जी हैं ये भी की गणना में आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को रात में सोने से पहले एक लोटा जल इस जगह पे रख देना, फिर देखना आपकी किस्मत कैसे चमकेंगे। आप हमारे वीडियो के टाइटल देख ही चुके हैं, जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी दर्शकों को अच्छे से जानकारी बताए जाते हैं। हम चैनल की तरह कोई मिसलीडिंग जानकारी नहीं बताते, कोई फेक जानकारी नहीं बताते। हमारे चैनल में बताए गए जानकारी अधिकतम अध्यात्म होते हैं। हमारे चैनल का मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना। हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमारे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी बंधु का, आप में से किसी एक भी बहनों का यदि भला होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जल्द किस तरह से हमारे जीवन को बाहर ये लाने का काम करेंगे। हमें हमारे जीवन में धन संबंधी परेशानी है, जीवन में किसी भी तरह की परेशानी, उस परेशानी से हम कैसे निकले। बीड़ों को आपको अवश्य देखना, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। छोड़ करके जाते हैं दर्शकों, इसमें आपको नुकसान होने वाला है, फिर पश्चात में चल करके आप ही बोलते हैं जी हमें समस्या में गिरे, इसे निकलने का कोई उपाय बताए। देखिए, आप उपाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, केवल जानकारी के लिए, अपनी ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को आप जो इंप्रूव करने के लिए ये वीडियो ध्यान से देखिएगा तो एक लोटा जल पलक झपकते दूर कर देगी। आपकी सारी दिक्कत किस तरह आई जानते हैं तो हमारे धर्मशास्त्र तथा लाल किताब में स्पष्ट लिखे हुए हैं। जो लोग लाल किताब पढ़े होंगे उनके बारे इनके बारे में अवश्य पता होगा। लाल बहुत ही प्राचीन ज्योतिष बुक है और इसी के साथ साथ बहुत सारे हमारे तंत्र शास्त्र के बुक में भी स्पष्ट लिखे हुए हैं। जो जल है ये जल का प्रतिनिधित्व करता है, कौन वरुण देवता और इसी के साथ ये यक्ष जाति से संबंध रखते, हमें धन प्रदान करता है तो ऐसा समझा जाता है। कोई भी मानव सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ यदि ये उपाय को करेंगे आपको 100% लाभ मिलेंगे। यदि आप लाभ आपको हासिल नहीं होता तो कल आप हमारे चैनल गरुड़ धर्मार्थ को अनसब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं। किंतु ये उपाय करेंगे, पूरे विश्वास रखना है, पूरी श्रद्धा रखना है, क्योंकि श्रद्धा नियम संयम और विश्वास पर टोने टोटके अपने प्रभाव दिखाते हैं। तो आपको करना क्या है, शुक्ल पक्ष के सोमवार से, जी हां, शुक्ल के सोमवार से पूरे एक पक्ष तक
अर्थात पूरे एक शुक्ल तक यदि आपकी कोई मनोरथ है, क्योंकि इच्छा है कोई कामना है, तो पीपल की जड़ पर नित्य आपको सुबह के समय में शुक्ल पक्ष के सोमवार से आपको शुरू करना है और पूरे शुक्ल अर्थात एक कम से कम 15 दिनों तक लगातार पीपल की जड़ में आपको बिल्कुल ही मनोकामना बोलते हुए मनोरथ हुए आपको जल चढ़ाने अर्थात जल डालना है तो ऐसा समझा जाता है। ये फिर कोई साधारण उपाय नहीं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में वृक्षों में पीपल के वृक्ष हों और आपने अवश्य देखा होगा। लाल किताब में भी ये उपाय स्पष्ट लिखे हुए हैं। तो शुक्ल पक्ष के सोमवार से, यदि शुक्ल पक्ष के सोमवार तिथि में किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम दिवस से भी ये उपाय किया जा सकता है, पूरे शुक्ल पक्ष भर आपको पीपल की जड़ में, बिल्कुल ही आपको पीपल की जड़ में आपको जल डालना है तो बड़े से इच्छा की पूर्ति होती है। किंतु जब तक ये आप जल डालते रहे, अपनी इच्छा के बारे में किसी को नहीं बताना है। देखिए, उपाय तभी फलकारी होते हैं जब आप गुप्त रखने किसी को बताते नहीं। ये पहला प्रयोग है। जल के इसका दूसरा प्रयोग आइए, जानते हैं तो शाम के समय में सूर्यास्त के पश्चात ध्यान से सुनना। वैसे तो ये उपाय को माता बहनों को अवश्य करना चाहिए, तो ये ज्यादा लाभ प्रदान करते। आप अपने घर के वाइफ को बोल सकते हैं, आप अपने घर में बहन उसे आप बोल सकते हैं। उपाय करने के लिए यदि आपके घर में कोई, जैसे कि माताश्री भी ये उपाय करने के लिए बोल सकते हैं, तो शाम के समय में सूर्यास्त के पश्चात एक लोटा जल लेना है, उसमें आपको दो बूंद इत्र की डाल देना है और एक आपको रेड कलर की पुष्पांजलि, रेड कलर की पुष्पा ना मिलने पर आप जो व्हाइट कलर की पुष्प भी ले सकते हैं, कोई भी पुष्प हो। यदि गुलाबी की पुष्प हो तो फिर इसे अति उत्तम कहे जाते हैं, और यदि की पुष्पा ना मिल पाए तो आप एक काम अवश्य करना, गुड़हल की पुष्पा ले सकते हैं। यदि ये दोनों पुष्पा ना मिले तो आप जो है आपको जो बंद पड़े पुष्पा लीजिए, किंतु रेड कलर की होना चाहिए, व्हाइट कलर की होना चाहिए। तो शाम के समय में आपको करना क्या है, एक लोटा जल लेना है, आपको दो बूंद उसमें इतना डालना है और एक आपको पुष्पा उसमें डाल देना है और इसे घर के द्वार पर आपको रखना है। इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल ही आपको रखना है। तो इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी सभी मनुष्य में, आप मानो ये ना मानो, बिल्कुल ही माता लक्ष्मी शाम के समय में सभी मनुष्य के द्वार में आती है, किंतु हम इसे देखते नहीं हैं, बिल्कुल ही हम नजरअंदाज कर देते हैं। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पहले समय में आप जरूर देखना, एक लोटा जल घर के द्वार पर रखा जाता था। इसलिए पहले लोग संपन्न होते थे, पहले के लोग वैभवशाली होते थे, पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे। तो यदि अब आज जो है, यदि अब भी यह क्रिया शुरू करते हैं, घर के द्वार पर एक लोटा जल उस मित्र डाल करके पुष्प दान करके रखते हैं, तो इसे लक्ष्मी का बंधन होते हैं। आप में से अधिकतर लोग हैं ना गुरुजी, हमारे घर में पैसे आते तो है किंतु पैसा फिर चले जाते हैं, पैसा बिल्कुल ही ठहरता नहीं है। तो ये उपाय करने के पश्चात आपके में पैसा ठनना शुरू हो जाएंगे, अर्थात आप लक्ष्मी का आदर करना शुरू करेंगे तो लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में बंध जाएंगे। दिन दुगनी रात चौगुनी अब के देखना उसी टाइम से, जिस दिन आप ये उपाय करेंगे तरक्की होना शुरू हो जाएंगे। मैं छाती ठोक के बोलता हूं, चैनल में जो जानकारी बताए जाते हैं वह जानकारी अचूक रामबाण की तरह कम करते हैं और चैनल के ही मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, सही जानकारी बताना। देखिए, इसमें तो आपको कोई ज्यादा पैसे नहीं लगने वाले, आपको करके देखने में इसमें क्या हर्ज है, बिल्कुल करके देखिए, इसमें लाभ मिलेगा। इसके पश्चात घर के बाहर भी आप जो है जल रखना शुरू कर दें। यदि आप घर बाहर से घूम करके आते हैं या फिर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, तो कौन किस भाव से आ रहे हैं, कौन किस नियत से आ रहे हैं, हमें पता नहीं होता। किंतु यदि आप अपने घर के सामने में जल रखते हैं और जल सींच करके यदि आप वो सामने वाले मानव आपके घर में प्रवेश करते हैं, तो जल तत्व उस मानव के साथ में आने वाले नकारात्मक शक्ति को, नेगेटिव ऊर्जा को वहां से भगा देते हैं, आपके घर में नहीं देते। घर के मुख्य द्वार पे जल रखने के और भी अनगिनत फायदे, इससे पितृ देवी प्रसन्न होते हैं। मैं तो बोलता हूं सभी मनुष्य को घर के द्वार पे बिल्कुल ही जल रखना चाहिए। आप जहां से भी बाहर से घूम करके आ रहे हैं, बिल्कुल ही घर में घुसने से पहले, कदम रखने से पहले एक बार जल बिल्कुल ही अपने में डाल लीजिए। फिर आप अपने घर में प्रवेश करें तो आपके घर में, आपके साथ में यदि कोई नकारात्मक शक्ति आ गई है गलती से, या फिर कोई नुकसान करने वाली शक्ति आ गए हैं, तो बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। जल आप अपने शरीर में जैसे ही सींचते हैं, जल तत्व आपके शरीर बिल्कुल वो भस्म हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य को छोड़कर के जितने भी संसार में योनि है, कोई योनि जल तत्व को बर्दाश्त नहीं कर पाते।
यहां तक कि प्रेत के ऊपर में यदि आप जल डालें तो भस्म हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य योनि को सर्वोत्तम योनि बनाए हैं और मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कह जाते हैं। इसके पश्चात जल का एक और जबरदस्त उपयोग बता रहा हूं। यदि आप वीडियो को यहीं पे छोड़ करके जाएंगे तो अब आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ जाएगा। दर्शकों, अभी जो उपाय बताऊंगा ये उपाय आपके पूरे जिंदगी को, लाइफ को बदल देंगे। करना क्या है आपको, सोने से पहले एक तांबे की लौटी लेना है, और एक लोटा साथ जल लेना है, और आपको इसे अपने बेड के नीचे में रखना है, तकिए के नीचे साइड में रखना है। आप जिस स्थान पे सोए उसी के नीचे में आपको रखना, बिल्कुल उसके सीधे में। इसके पश्चात इस जल को सो करके उठने के पश्चात आपको इसे, जैसे आप जल रखे तो सुबह इसे बिल्कुल सो करके उठने के पश्चात कोई सा भी फूल आपके घर के आसपास में, कोई सा भी फूल हो, फूल चलेंगे। बाकी नहीं तो कोई सा भी फूल हो, जैसे कि मदार का पुष्प है, और जैसे कि गुड़हल के पुष्प है, गुलाब के पुष्प, कोई सा भी पुष्प हो, उसमें आपको इस जल को डालना है। तो आप जैसे नित्य क्रिया शुरू करेंगे, जैसे जैसे उस फूल में, उस वृक्ष में आप जो जल डालना शुरू करेंगे, तो उसमें जैसे फूल उस फूल आना शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन भी खिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे वो जो पौधा में आप जल डालना शुरू करेंगे, बिल्कुल ही वैसे वैसे आपके जीवन में बाहर आएंगे, आपके जीवन भी उस पौधे की तरह खिलने लगेंगे, फूलने लगेंगे। आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं बिल्कुल ही उसमें एक पुष्प आप स्वयं देखना जैसे आएंगे, वैसे आपके जीवन में भी उसी पुष्प भांति आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं जो उपाय बताता हूं वो सटीक जानकारी होते हैं, अमूल्य जानकारी होते हैं, क्योंकि यदि आप जो किसी भी जैसे पुष्प में आप जो जल डालते हैं तो इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सब किसको समर्पित है, ये बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रह का स्वामी कौन है, भगवान गणेश जी है। मैं एस्ट्रोलॉजल की यदि मैं दुनिया में जाऊं तो बहुत सारे इसका बेनिफिट आपको हासिल होगा, बिल्कुल ही। इसलिए मैं संपूर्ण जानकारी विस्तार से नहीं बताता, बीड़ू लंबी हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप जो है नित्य, हमने यहां पे चार तरीके बताए हैं, चार में से दो को अवश्य फॉलो करें, आपके जीवन में बाहर आएंगे, आपके जीवन में समस्या भी दूर होंगे। धन दौलत छोटी सी चीज है, जो भी चीज आपको चाहिए इस दुनिया में वो सारी चीजें आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।